ઈશ્વરચંદ બંદોપાધ્યાય CII જેને ઈશ્વરચંદ વિદ્યાસાગર શબ્દિક અર્થ ઈશ્વરચંદ જ્ઞાન કા સાગર નામ સે જાના જાતા હૈ 26 સપ્ટેમ્બર 1820 19 જુલાઈ 1891 19મી સદી કે એક ભારતીય શિક્ષક ઓર સમાજ સુધારક થે બંગાળી કદ કો સરળ ઓર આધુનિક બનાને કા ઉનકે પ્રયાસ મહત્વપૂર્ણ થે ઉન્હોને બંગાળી વર્ણમાલા ઓર પ્રકાર કો ભી યુક્તિ સંગત ઓર સરળ બનાયા जो चार्ल्स विकल्स और पंचनाम कर्मधारा 1780 में पहला बंगाली पकार कटने के बाद से अपरिवर्तित रहा था। वह हिंदू विधवा पुनः विवाह के लिए सबसे प्रमुख प्रचारक थे, जिन्होंने गंभीर विरोध के बावजूद विधान परिषद में शैक्षणिक दायर की, जिसमें एक जवानी याचिकता भी शामिल थी। इस पर लगभग 4 गुना आर्थिक हस्तक्षेप थे। हालांकि विधवा पुनः विवाह को हिंदी रीति रिवाजों का घर उल्लंघन माना जाता था और इसका कड़ा विरोध किया गया था। लॉर्ड डलहौजी ने व्यक्तिगत रूप से विधेयक को अंतिम रूप दिया और हिंदू विधवा पुनः विवाह अधिनियम 1856 पारित किया गया। बाल विवाह के विरोध विद्यासागर के प्रयासों से सहमति आयु अधिनियम 1891 लागू हुआ, जिसमें विवाह की संपत्ति की न्यूनतम आयु 12 वर्ष थी। एक साप्ताहिक समाचार पत्र सोम प्रकाश पत्रिका 15 नवंबर 1858 धरकानाथ विधा भूषण द्वारा शुरू किया गया था। धरकानाथ भारत के कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के प्रोफेसर थे। मूल योजना ईश्वरचंद विद्यासागर द्वारा प्रस्तुत की गई थी, जो सांप्रदायिक मामलों में धरकानाथ को सलाह देते रहे। वह हिंदू फेमस स्कूल से संचिव के रूप में भी जुड़े रहे, जिसके बाद वे मैथुन फीमेल स्कूल के नाम से जाने लगे। उन्होंने संस्कृत और दर्शन शास्त्रों के अपने स्नातक अध्ययन में इतना उत्सुक प्रदर्शन किया कि कलकत्ता के संस्कृत कॉलेज जहां उन्होंने अध्ययन किया, उन्हें समाजजनक उपाधि विद्यासागर